चलिए रुक करते हैं हम कुछ सियासी खबरों का। राजधानी भोपाल से खबर, जहां बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई है। बताया जा रहा है बीजेपी कार्यालय में अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं। बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और बीजेपी के प्रदेश संगठन के सदस्य, बीजेपी के सभी प्रदेश के बड़े नेता, संगठन से जुड़े सदस्य शामिल हुए हैं। और ये देखिए राकेश सिंह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जबलपुर से सांसद, लोकसभा सांसद। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन के सभी सदस्य मौजूद हैं और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है। चलिए कोशिश करेंगे इस खबर पर और अपडेट लें, जानकारी लें। तस्वीरें देखिए बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू होने के पहले की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक लेने पहुंचे, जिसमें सभी संगठन से जुड़े सदस्य, बीजेपी के नेता मौजूद रहे। बता दें बीजेपी कार्यालय में इस वक्त ये बैठक चल रही है। बैठक समाप्त होने के बाद जेपी नड्डा भोपाल से वापस दिल्ली जाएंगे। आज सुबह से ही जेपी नड्डा भोपाल में अलग अलग कार्यक्रमों में भी पहुंचे। जेपी नड्डा ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन भी किया, जो अगले 50 साल को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। उसके बाद संबोधित भी किया, बीजेपी नेताओं से मिले और अब की बार 200 पार का नारा दिया। जेपी नड्डा ने मंत्र दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 प्लस सीटें लेकर आएंगी। और इस वक्त कोर कमेटी की बैठक में भी जाहिर है कुछ अहम संदेश जेपी नड्डा देंगे। चलिए रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए खबर पर बातचीत करने के लिए। मनोज जी, कोर कमेटी की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है, कौन कौन मौजूद हैं, क्या एजेंडा बैठक का? देखिए भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये इस बैठक को ले रहे हैं, जिसमें हम बात करें श्री प्रकाश जी जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, मुरलीधर राव, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा या फिर लाल सिंह आर्य, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब वो लोग हैं जो कोर कमेटी में शामिल है। करीब 17 लोगों की कोर कमेटी है और वो तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। दो लोग जरूर कोई नहीं पहुंचे, जो कमी है वो भी पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज की बैठक में कई तरह के निर्णय, खासकर 2023 की रणनीति की तरफ बढ़ना और अब की बार 200 पार का, जो पहली बार 2018 में भी नारा दिया था लेकिन अब की बार 200 पार को कैसे पूरा करना है, इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होगी। संगठन सत्ता के बीच में तालमेल के साथ डबल इंजन की सरकार को जनता के नजदीक पहुंचाना, क्योंकि आज मंच से भी यही बोल रहे थे जेपी नड्डा, तो इसी पर मूल रूप से केंद्रित रहेगी पूरी बैठक। लेकिन बैठक में जहां जो कमियां हैं उनको दूर करना, कुछ निर्देश भी देखने को मिलेंगे और कुछ चीजें होना है, कुछ परिवर्तन है, कुछ बाकी चीजें होना है, तो इन तमाम सारे मुद्दों पर, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो पार्टी को लेकर रणनीति बनाते, आगे का काम तय करते और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां मौजूद है। तो आज की बैठक दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण है 2023 चुनाव से पहले, क्योंकि इसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कब आएंगे ये अभी तय नहीं है, क्योंकि 1 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आना है, उसके बाद फिर 24 तारीख को नरेंद्र मोदी को आना है, तो किस तरह उनके कार्यक्रमों की तैयारियां करना, तो आज की कोर कमेटी की बैठक में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है। चलिए आप नजरें बनाए रखिए मनोज जी, अपडेट्स लेते रहेंगे बैठक से जुड़ी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।